जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। दोस्तों आप सब जानते हो रशिया यूक्रेन जंग तो तकरीबन 2 महीने के ऊपर चल रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले एक न्यूज बहुत ज़्यादा खबर में था। रशिया ने एक तरीके से इजराइल की एयरफोर्स के ऊपर भी अटैक किया था। आप हेडलाइन देखकर समझ गए होंगे कि जो F-35 है, हालांकि IAF का मतलब इंडियन एयरफोर्स ही नहीं इजराइल एयरफोर्स भी है, उसके ऊपर S-200 से अटैक हुआ था। हालांकि आज मैं जो आपको न्यूज़ बताने वाला हूं वो तकरीबन 4-5 साल पहले की है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, क्या सच में ऐसा हुआ था या फिर इसके पीछे कोई और थ्योरी है। लेकिन आपको पता होगा अब पिछले तीन चार साल में रशिया की आर्मी के जो तैनात है सीरिया में, वो कभी भी इजराइल जब भी सीरिया के ऊपर अटैक करने आते थे तब उनके ऊपर कभी हमला नहीं किया था। लेकिन कुछ महीने पहले जो इजराइल के F-16 है उनके ऊपर जो S-300 रशिया ने वहाँ पर तैनात करके रखा है उससे फायर किया गया था। हालांकि इजराइल की एयरफोर्स को तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। उससे ठीक 2 महीने पहले अगर आपको याद होगा ज़्यादा खबर ये बनी थी, सीरिया की एक पोर्ट सिटी पर इजराइल ने ज़बरदस्त बमबारी किया था। और खबर ज़्यादा इसलिए बना था क्योंकि वो पोर्ट से तकरीबन 30-40 किलोमीटर दूर S-400 सिस्टम तैनात था। इसलिए बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे S-400 सिस्टम होते हुए कैसे F-16 ने सीरिया के ऊपर जाकर बमबारी किया था। लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सारा रीजन था और बहुत सारे जियो पॉलिटिक्स था, तब मैंने आपको वीडियो में बताया था और आज भी आखिर पार्ट में बताऊंगा क्यों रशिया एक तरीके से अलाउ करता था कि जाकर इजराइल सीरिया के ऊपर अटैक करे और सीरिया सब कुछ जानते हुए भी क्यों रशिया से दूर नहीं जा सकता है। तो अब फिर ऐसा क्या हुआ, रशिया अचानक एक तरीके से इजराइल के ऊपर गुस्सा होकर S-300 के जरिए F-16 के ऊपर अटैक किया, वो तो सब सेकेंड पार्ट में बात करेंगे। पहला बड़ा सवाल ये है, क्या सच में S-400 सिस्टम, जो हम मानते हैं कि नहीं कि F-35 या फिर स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिरा सकते हैं, S-400 से एक स्टेप नीचे S-300, फिर उससे एक स्टेप नीचे S-200, F-35 को क्या सच में मार गिरा पाएगा या फिर सच में अटैक किया था और उसमें इजराइल के एयरफोर्स का F-35 को नुकसान हुआ था, उस टॉपिक पर बात करते हैं। दोस्तों ये टॉपिक पर आने से पहले आप सबके लिए एक 30 सेकंड का प्रमोशनल वीडियो है, पहले आप उसे देख लीजिए फिर मैं ये बाकी सवाल आपको डिटेल्स में समझाता हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है 1xBet। ये एक स्पोर्ट्स फैंटेसी और कैसिनो प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको बहुत सारे वैरायटी के स्लॉट गेम और बहुत सारे टूर्नामेंट भी खेलने को मौका मिलेगा। इसके साथ नेहा शर्मा और ड्वेन ब्रावो इस ऐप को प्रमोट कर रहे हैं और ब्रांड एम्बेसडर है। आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, वीडियो के नीचे जो पिन कमेंट है उस लिंक पर क्लिक करिए और प्रोमो कोड यूज करिए Casino012 और ये कोड को यूज करके आप जीत सकते हो 390 यूरो तक। इसके साथ साथ आपको फास्ट प्ले में फ्री 30 स्पिन भी मिलेगा। दोस्तों आप खुद अमेरिका की मीडिया की हेडलाइन देखिए, D-Day रशियन मेड S-200 मिसाइल स्ट्राइक ऑन इजराइल F-35 बैक इन 2017, मतलब 2017 की ये न्यूज है। हालांकि इजराइल के एयरफोर्स ने पहले तो ये मान दिया था लेकिन फिर आखिर में बयान को चेंज करना पड़ा, वो भी मैं आपको आखिर में बताऊंगा। लेकिन 2018 में भी S-200 ने एक F-16 को मार गिराया था। आप देख सकते हो दिस इजराइल F-16I सुपर फाइटर वाज शट डाउन बाय सीरिया, और ये हेडलाइन क्लिक करके अगर आप डिटेल में न्यूज को पढ़ोगे, मैं होगा तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में आपको ये दोनों आर्टिकल दे दूंगा, तो उसमें भी S-200 ने इजराइल की F-16 को मार गिराया था सीरिया में। हालांकि रशिया और इजराइल के बीच ये डील है, जब भी इजराइल अटैक करने जाएगा सीरिया के ऊपर तो पहले रशिया को बता दिया कि हम अटैक करने जा रहे हैं ताकि रशिया की आर्मी जो है वो इजराइल के ऊपर अटैक ना करे। ये 2017-18 में उनके भी डील हुआ था, लेकिन बीच बीच में जब जियो पोलिटिकल सिचुएशन में थोड़ा रशिया और इजराइल का नहीं बनता है तो दोनों साइड से ये डील थोड़ा, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो, टूटता भी है। लेकिन बड़ा बात ये है, क्या S-200 जो 1960 में बना था, अगर मैं आप उस S-200 की इमेज आपको दिखाऊं तो वो है ये वाला मिसाइल। ये जो 1960-1970 के टाइम का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, क्या उसके पास, इस मिसाइल सिस्टम के पास ऐसा ताकत है जो एक एडवांस अमेरिका का फाइटर एयरक्राफ्ट है और दुनिया का एक तरीके से आप कह सकते हो खतरनाक फाइटर एयरक्राफ्ट है उससे मार गिरा सकता है। दोस्तों
उसके पीछे बहुत सारे वजह है। पहला वजह मुझे ये लग रहा है कि जो F-35 तब मिला था इजराइल को, इजराइल को तकरीबन 50 के करीब F-35 मिलने थे, और तब 2017 के आसपास उसे पहले बैच में 7 F-35 मिले थे, और इजराइल की पायलट बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं थे F-35 को कैसे यूज करे कैसे यूज ना करे। तो हो सकता है उसी गलती के कारण जब सीरिया में वो अटैक करने गए होंगे तो जो सीरिया के मिसाइल डिफेंस सिस्टम वहाँ तैनात था S-200 मतलब रशिया ने तैनात करके रखा था, उसका शिकार वो हो गया। हालांकि ये देखने वाली बात थी कि ये मिसाइल से ऐसा नहीं था कि वो जो F-35 था वो बिल्कुल डैमेज हो गया था, कुछ हद तक उसे डैमेज पहुंचा था, मतलब ऐसा नहीं था कि वो F-35 बिल्कुल तबाह हो गया हो और पायलट को प्लेन से निकलना पड़ा हो। पायलट जाकर इजराइल की जो एयरबेस थे वहां पर सेफली लैंड भी किए थे, और बाद में इसी वजह से इजराइल ने वो न्यूज को चेंज कर दिया और नहीं माना कि नहीं हमारा F-35 के ऊपर कोई मिसाइल अटैक हुआ था। पहले माने थे कि नहीं, हम जब गए थे ट्वीट वगैरह उनके डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से किया गया था, लेकिन बाद में बताया कि नहीं एक बार ने स्ट्राइक किया तो इसी वजह से वो जो F-35 था उसको माइनर इंसिडेंट हुआ। और ऐसा कहने के पीछे वजह भी था, अगर ऐसा वो ना कहते तो हथियार इंडस्ट्री में अमेरिका की रेपुटेशन के ऊपर ज्यादा असर पड़ता, जितना इजराइल को नुकसान नहीं होता उससे ज्यादा नुकसान अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री को होने वाला था। तो इसी वजह से न्यूज को छिपाने के पीछे आप मकसद समझ सकते हो। लेकिन बड़ा बात यह है कि अगर आप देखोगे दोनों देशों के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बात करेंगे कि इजराइल और सीरिया के बीच हमेशा विवाद क्यों है, और रशिया क्यों एक तरीके से सीरिया का दोस्त तो है लेकिन हमेशा क्यों वो इजराइल की तरफ से अटैक को नहीं रोकता है, अब डिप्लोमेटिक एंगल के तरफ आते हैं। अगर आप देखोगे ये जो जब से इजराइल बना है तब से सीरिया और बाकी ये सारे जितने कंट्री है जोर्डान को छोड़कर इजिप्ट को छोड़कर, हालांकि पहले ये भी शामिल थे इजराइल को ख़त्म करने को लेकर, लेकिन बाद में 10-20 साल में उनको पता चल गया अब वो साथ है, लेकिन ये सारे देश चाहते कि इजराइल को खत्म कर दे। जब 1967 में वार हुआ था सिक्स डेज वार, तब सीरिया का इतना बड़ा एरिया पर आज भी इजराइल का कब्जा है जिसको हम गोलान हाइट की तरफ जानते हैं। आप देखोगे सीरिया को मैप में देखोगे आपको इतना बड़ा देश दिखाई देगा और भी ऊपर उसका सीरिया का मैप है, लेकिन ट्रूली अगर आप सीरिया के मैप देखोगे तो जो अभी सीरिया का बशर अल असद गवर्नमेंट है उसके पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल सीरिया का है नहीं, बस 30-40% सीरिया का लैंड उनके कब्जे में है, बाकी दूसरे जो ग्रुप है उनके पास है। ये जो आप रेड वाला देख रहे हो ये सीरिया की गवर्नमेंट का है, ये जो ग्रीन वाला देख रहे हो ये रिबेल फोर्स का है, ये तो आप देख सकते हो गोलान हाइट जो इजराइल ने कब्जा करके रखा है, ये जो येलो वाला पार्ट है ये देख रहे हो ये कुर्दिश फोर्स ने रखा है, और ये IS या फिर ISIS आप कह सकते हो उनके कब्जे में है, और ऊपर ये जो पार्ट देख रहे हो ये टर्की की कब्जे में है। तो बहुत ज़्यादा जो एक तरीके से कह सकते हो सीरिया के लैंड के ऊपर सीरिया का गवर्नमेंट का ही कब्जा नहीं है, और ये दोनों पार्ट इस पार्ट में अमेरिका तैनात है और इस पार्ट में रशिया और ईरान तैनात है। वो दूसरे मैप में आपको दिखाया जाता हूँ इजराइल में कौन से एरिया पर किस देश का मिलिट्री बेस है। आप देख सकते हो जो कुर्दिश वाला एरिया है उस पर वहाँ पर फ्रांस और अमेरिका का कब्जा है या फिर मिलिट्री बेस है, और जो बशर अल असद गवर्नमेंट का कब्जा है उस एरिया पर ईरान और रशिया का मिलिट्री बेस। आप देख सकते हो ईरान का मिलिट्री बेस कितना नज़दीक है इजराइल के, हालांकि ईरान ने कभी भी हिम्मत नहीं किया है उस मिलिट्री बेस से इजराइल के ऊपर या फिर गोलान हाइट को कैसे वो वापस लाकर सीरिया को दे दे, कभी भी ईरान ने इस हिम्मत नहीं किया। हालांकि ईरान ने प्रोक्सी वार जरूर करता है इजराइल के खिलाफ, लेकिन डायरेक्ट जंग करने का हिम्मत कभी भी ईरान का हुआ नहीं है। अब अगर आप देखोगे इजराइल को कभी भी अगर सीरिया के ऊपर अटैक करना हो, हर एक एंट्री पॉइंट पर रशिया या फिर ईरान की आर्मी बेस है, तो बिना ईरान का तो मिलिट्री पावर उतना स्ट्रांग है नहीं वो इजराइल को रोक पाए, बिना रशिया का परमिशन या फिर रशिया का एक तरीके से आग्री के बिना इजराइल कभी भी सीरिया के ऊपर बमबारी नहीं कर सकता है। तो फिर आपके मन में सवाल होगा तो रशिया ऐसा करने के लिए अलाउ क्यों करता है। देखिए रशिया जियोपॉलिटिकल ऊपर में आपको दिखाई कि हर देश के साथ हर देश का संबंध अच्छा है, अगर हम भाई बोलते हैं मतलब मान लो कि अब इंडिया हम सब जानते हैं कि नहीं इंडिया का रशिया के साथ संबंध अच्छा है, इंडिया का इजराइल के साथ संबंध अच्छा है, इंडिया का फ्रांस के साथ संबंध अच्छा है, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत सारे पॉइंट पर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं होता है और उसको लेकर लड़ाई भी होता है, लेकिन ऊपर से वो सारे चीज़ नहीं दिखाई देता है। आप सब जानते हो जैसे एग्जाम्पल आप रशिया और ईरान का ले लो, आप सब जानते हो ये दोनों देशों के बीच संबंध बहुत अच्छा है लेकिन पर्दे के पीछे इनको भी बहुत सारे इंटरेस्ट को लेकर लड़ाई होता है। सेम चीज सीरिया में है, सीरिया में ईरान का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसको लेकर रशिया कभी भी खुश नहीं है और रशिया भी नहीं चाहता है कि ईरान का इन्फ्लुएंस उस एरिया पर ज्यादा बढ़े, इसी वजह से एक तरीके से इजराइल को बीच बीच में रशिया अलाउ करता है।
वो जो ईरान समर्थित एरिया है या फिर ईरान जो कुछ कर रहा है उसके ऊपर बमबारी इजराइल करे, और इसी वजह से यहाँ पर इसी एरिया पर S-400 तैनात होने के बावजूद भी इजराइल के F-16 जाकर बमबारी किए थे, क्योंकि उसी पोर्ट पर जो कुछ महीने पहले हुआ था उसी पोर्ट पर पहले रशिया का कब्जा था, लेकिन बाद में बशर अल असद ने ईरान को वो पोर्ट दे दिया था। और बशर अल असद का डर ये है कि अगर वो ईरान को ज़्यादा पुश नहीं करेंगे तो एक तरीके से वो रशिया का गुलाम बन जाएंगे, और बाकी तो उनका दुश्मन है ही, आप देख सकते हो ISIS से लेकर कुर्दिस फोर्स को अमेरिका वगैरह बहुत सारे फोर्सेज जो, और टर्की का भी इस एरिया में इन्फ्लुएंस है, वो भी बशर अल असद से खुश नहीं है। तो इसी वजह से मतलब एक तरीके से खिचड़ी बन गया है सीरिया, मतलब सब कुछ जानते हुए भी बशर अल असद वो रशिया से दूर नहीं जा सकते हैं, और पास भी रखना मजबूरी है, और पास होते हुए भी वो इजराइल के अटैक से रशिया सीरिया को नहीं बचा पाता है। अब आप समझ गए होंगे इस सीरिया और इजराइल उस एरिया में क्या हो रहा है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग ये था कि S-200 कैसे F-35 को मार गिरा पाने में कामयाब हुआ था, या फिर कुछ हद तक नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो गया था। और बड़ा रीज़न मुझे लग रहा है कि तब जो इजराइल के एयरफोर्स के पायलट थे वो बहुत ही